Hey everyone, so there's a very good news from the GATE official website that the admit card can be downloaded from 15th of January, यानी कि कल से आप आपके admit card download कर सकते हो. But the bad thing, you know, for many of the students, the bad thing is जो जिनका expectation था कि GATE exam might be postponed या फिर cancel भी हो जाएगा, as they already mentioned in their website, उसकी प्रोबेबिलिटी अब तो ख़त्म हो गया. क्योंकि अगर आप अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, दैट मीन्स कि आपका एग्ज़ाम सही टाइम पे होगा. दैट मीन्स फेब्रुवरी की फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में जो ऑफिशियल स्लॉट है उसी स्केड्यूल पे एग्ज़ाम होने वाला है. बट द चांसेस इज दैट कि यू नो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द कोविड पैंडेमिक देयर इज स्टिल अ चांस कि अगर केस मतलब रैपिडली इंक्रीज हो जाए, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए, तो there might be chances agar you know government se koi rules and regulation aa jaye to exam might be postponed, but the chances is very very less. to aapko mentally prepare hona hai ki exam aapko sahi time mein hi hone wala hai. jo log expect kar rahe the ki exam postpone ho jayega, there's a very bad news to you. kuch log mere ko message karke ye bhi bol rahe hai ki bhaiya maine to preparation bhi band kar diya and exam should be postponed, aise bhi bahut log bol rahe the. but i think the chances that these things will happen is very very less, i mean almost प्लस टू जीरो. ठीक है, क्योंकि कल से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो एडमिट कार्ड पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम डेट, सारी चीज़ लिखा होगा. सो अगर ऐसे कोई प्रोबेबिलिटी है कि आपको लगता है कि एडमिट कार्ड पे कोई दूसरा डेट होगा, एग्जाम विल बी पोस्टपोन, फॉर दैट अनदर नोटिस वुड हैव बीन पब्लिश्ड इन द गेट ऑफिशियल वेबसाइट एज ऑफ नाउ. तो ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, सो दैट मीन्स एग्जाम सही टाइम में होने वाला है. सो जस्ट बी ऑन योर ओन एंड प्रिपेयर वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग एट दैट पॉइंट. आपको अगर मॉक टेस्ट बाकी है तो मॉक टेस्ट में फोकस करो, आपको अगर रिविजन बाकी है तो उसमें फोकस करो. सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया उसी को रिवाइज करो. एंड अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी बाकी है तो उसको प्रैक्टिस करो. आपको मॉक टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ. जिनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, आप मॉक टेस्ट में फोकस करो. मैं कल और एक वीडियो लाऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को देना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, किसी डायरेक्शन में अटेम्प्ट करना है, एंड क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखना है वाइल अटेम्प्टिंग द गेट क्वेश्चन पेपर. कि कैसे द गेम ऑफ थ्री आवर्स, तीन घंटे में जो गेम होता है उसको कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, कैसे वो तीन घंटा आपको एक अच्छी जगह पर ले जा सकते हैं या फिर आपको नीचे गिरा भी सकते हैं. दैट विल आई विल डिस्कस इन डिटेल इन द टुमारोज़ वीडियो. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल. चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होने वाला है, शेयर करो उसके साथ. एंड लास्ट थिंग कि आपको प्रिपरेशन जम के करो, कोई सोचना मत कि एग्जाम कैंसिल होने वाला है, एग्जाम को ऐसे होना था वो होना था, कोई ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है. जस्ट प्रिपेयर हार्ड, बी ऑन योर ओन, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट करके बताना. ठीक है, तो बस दैट्स इट टुडेज वीडियो. आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द गेट 22 एस्पिरेंट्स. तो मिलते हैं कल की वीडियो पे. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.